हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देखिए, ये दो इक्वेशन गिवन है और हमें सबसे पहले इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर इसके बाद आगे बोला गया है कि एक इक्वेशन दी गई है y बराबर mx प्लस 3 और इस इक्वेशन से हमें इस m का मान निकालना है, m की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे सॉल्व हम। तो दोस्तों, यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है हमारे सामने। सबसे पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। तो सबसे पहले आपको इन दोनों इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से x या y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो देखते हैं जरा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यानी कि समीकरण 2 से देखिए, इस समीकरण अगर हम 2 की बात करें तो यह है 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। यदि हम इस 4y को इधर ले जाएं तो ये 2x माइनस का 24 और ये 4y उधर जाते ये बनाइए प्लस का 4y। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे सामने जो इस 2x की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है माइनस का 24 प्लस का 4y। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि इक्वेशन जो फर्स्ट है यहाँ पे भी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, तो इस 2x की जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो लिखोगे आप सब्स्टिट्यूट the value of 2x in equation first, यानी कि 2x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 2x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख के देखते हैं जरा 2x की जगह हमें क्या रख सकते हैं यहाँ पे, माइनस का 24 प्लस का 4y। तो रखते हैं यहाँ पे माइनस का 24 प्लस का 4y। इसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस, तो लगा देंगे प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पे आ गया 11। अब दोस्तों करना क्या है हमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ब्रैकेट, जब ब्रैकेट हटाते हैं यहाँ पे तो माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y इक्वल टू बनाइए 11। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये y और y दोनों एक ही फैमिली से हैं, एक ही परिवार से हैं, तो इसको तो एक तरफ रखेंगे और जो ये नंबर यानी कि जो कॉन्स्टेंट है दोनों को एक तरफ कर देंगे। तो देखिए 4y और 3y ये बना 7y और ये 11, जब माइनस का 24 को उधर लेकर गए तो ये बना प्लस का 24। अब देखते हैं इस तरफ, यहाँ पे 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बना हमारा 35 और ये y इक्वल टू 35 अपॉन में 7। 7 के पार्ट इसको काट देंगे कितनी बार में, 5 बार में, तो y की वैल्यू आ गई है हमारे सामने 5, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है हमें, आपको ये पता है कि जब ये y की वैल्यू 5 आ चुकी है तो इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में कहीं पे भी रख सकते हैं, पहले में, दूसरे में या फिर यहाँ पे। तो मैं आपको इस इक्वेशन में रख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए 2x इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 4 मल्टीप्लाई y, देखिए y की वैल्यू क्या है 5, तो 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 2x ये बना 24 और ये 4 5 20। तो अब देख सकते हैं इधर 24 में से 20 घटाएंगे यानी कि ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 24 में 4 20 गए तो बचा ये 4। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 4 अपॉन में 2 इसे डिवाइड कर देंगे तो जो ये आंसर आ चुका है हमारा 2। देखिए यहाँ पे इस यहाँ तक हमने x की वैल्यू -2 निकाल चुके हैं और y की वैल्यू निकाल चुके हैं 5। अब हमें करना क्या है, इन दोनों ही वैल्यूज़ को यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में रखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस 3 में रखेंगे और हम निकालेंगे m का मान। देखते हैं, देखिए यहाँ पे अब आप इससे आगे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3, यानी कि x और y का जो मान है उसे आप समीकरण 3 में रखने वाले हैं, समीकरण 3 में x और y का मान रखने पर। तो देखिए ज़रा, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमारे सामने y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो y की वैल्यू आई थी हमारे सामने 5 रखेंगे इज इक्वल टू m इनटू में, देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है और जब भी दो वेरिएबल के बीच में कोई साइन ना हो तो हमेशा ही क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए अब जब भी आप मल्टीप्लाई में कोई भी माइनस की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू आई थी वो आई है माइनस का 2, तो जब भी हम माइनस की वैल्यू रखते हैं तो ऑलवेज यूज़ ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा के रख सकते हैं माइनस 2 और ये आया प्लस का 3। तो देखिए यहाँ पे 5 इक्वल टू, जब आप m की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो ये बना 2m प्लस का 3। अब फिर से वही तरीका, आप इस 3 को इधर ले आओ नंबर की तरफ
तो 5 - 3 इक्वल टू माइनस का 2m, 5 में से 3 कटाएंगे, 5 में से 3 के तो क्या बचा 2 इक्वल टू माइनस का 2m। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है m की, तो m के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो इस 2 को हम इसके नीचे ले आएंगे, तो ये बना 2 अपॉन में माइनस का 2 इक्वल टू m, तो 2 की m की जो वैल्यू आ गई वो आ गया माइनस का 1, m इक्वल टू माइनस का 1। ये है फाइनल आंसर।